Hi students, good morning. This is KD sir from Shivam Education. Today we are going to continue with chapter number 3 of class 10, right? Pair of linear equation in two variables. And today we are going to do exercise 3.4. ये exercise 3.4 में elimination method आता है. अब ये elimination method क्या है ये बता देता हूँ. Substitution method में हम किसी कोई भी एक को x को subject बनाते थे या तो y को subject बनाते थे और फिर उसको हम क्या करते थे उस पर सब्सटीट्यूट करते थे दूसरे इक्वेशन में. एलिमिनेशन मेथड में ऐसा नहीं. एलिमिनेशन मेथड में दोनों या तो x को इक्वल करेंगे या तो y को इक्वल करेंगे और फिर एक को एलिमिनेट कर देंगे तो वापस वन वेरिएबल रहेगा. हमारा पर्पस चाहे सब्सटीट्यूशन हो या एलिमिनेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. द इक्वेशंस को अगर आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो तो आपका सॉल्व हो जाता है. ओके और यू विल गेट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई. ओके लेट्स स्टार्ट. ओके सम नंबर वन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव. इक्वेशन वन टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर. इक्वेशन नंबर टू राइट. अब हमारा एक ही पर्पस रहेगा कि दोनों में से एक को इक्वल करना है. अब एक बात बताता हूं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी x वेरिएबल हो या y वेरिएबल उसमें से जो अपोजिट साइन वाला होना है उस पर अटैक करने का. फिर से बोल रहा हूँ x x दोनों प्लस में है इसको छोड़ दो लेकिन y y क्या है अपोजिट साइन में. अपोजिट साइन में हो तो पहले उसको अटैक करो. तो यहाँ पे माइनस थ्री वाई ये तो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 राइट. फिर उसके बाद अभी जब ऑपोजिट साइन है तो ऐड कर देने का. ऑपोजिट साइन है तो क्या करने का एंड एडिंग विथ टू. एडिंग विथ इक्वेशन टू राइट. चलो 3x 3y इज इक्वल टू 15. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. देखिए ये एडिंग था इसलिए अपने आप कट हो जाता है. साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो ये क्या हो गया 5x. ये क्या हो गया 19. Therefore, x is equal to 19 upon 5. ये मिल गया. अब सब्सटीट्यूट कर दो राइट. एंड बाय नाउ सब्सटीट्यूटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 1 के 2 जिसमें डालना हो डाल सकते हो राइट. सपोज हम लोग 1 में डालते हैं. चलो 19 upon 5 प्लस y इज इक्वल टू 5. अब एलसीएम लेना है 19 प्लस 5y इज इक्वल टू 25. मैंने कल भी बताया था आपको जब एक नंबर फ्रैक्शन में हो तो बाकी सब नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का. तो 5y इज इक्वल टू 25. दिस विल गिव 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 19. 5y इज इक्वल टू कितना आएगा 6 राइट. तो ये हो गया. अब y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. देयर फॉर x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. ओके डन. बस यही करना है एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन और ये मेथड से आपको x और y मिल जाएगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नाउ फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड बराबर ये. अब यहां क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन वन. 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर टू. देखिए ऊपर 4 है इसमें नीचे 2 है तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 राइट एंड एडिंग विथ. क्यों एडिंग क्योंकि ऑपोजिट साइन है अभी बताया मैंने. एडिंग विथ इक्वेशन वन. चलो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. कट हो गया सर 7x 14. x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7. देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा 2 राइट. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन कौन सा रहते हैं 1 राइट. तो ये आएगा 3x
x इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ओके चलो 4y इज इक्वल टू 6 होगा, उधर भेज दो 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, y इज इक्वल टू 1। ये आपका सॉल्यूशन, दिस इज बाय एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बराबर, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, पहला वाला इक्वेशन ले लो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फिर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सेकेंड वाला इक्वेशन ले लेते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, राइट, देयर फॉर 2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड किया तो देयर फॉर x इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस y, ये हमको इक्वेशन मिल गया है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 दैट इज 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दैट इज 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10, therefore 7y, right, 7y is equal to, is equal to 10 minus 3, therefore 7y is equal to 7, y is equal to 1 आ गया। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, putting this value of y in किसमें, यहाँ पे x is equal to 1 plus y, x is equal to 1 प्लस वाई है ना, तो 1 प्लस 1 तो x इक्वल टू 2। देखिए मैच कर लो, सेम आंसर, राइट, दिस वे यू कैन सॉल्व बाय बोथ दी मेथड। ओके, ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट एक्सरसाइज में कर दिया है, फिर भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये हो रहा है। ओके, लेट्स डू दी नेक्स्ट सम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर देखो, उन्होंने कुछ ऐसे आगे पीछे दिया है, उसको पहले रीअरेंज कर लो। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन ऑन हुआ, अब ये 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे दोनों माइनस है, दोनों प्लस है, तो पहले वाले में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 हो जाएगा, राइट, और फिर उसके बाद सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड subtracting up from 2 equation 2, right? तो देखिए 9x minus 2y is equal to 7, ये multiply करो 9x, 3 से multiply करेंगे तो minus 15y, 3 से multiply करेंगे तो 12। चलो अब देखिए साइन चेंज होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, subtract कर रहे हैं, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस, ये हमारा मेन पर्पस एलिमिनेशन का है, तो अगर ऑपोजिट साइन है तो वी विल ऐड, एंड इफ दे आर द सेम साइन वी विल माइनस है और सब्ट्रैक्ट, सो दैट द साइन चेंजेस और आपका एलिमिनेशन इजी हो जाए, राइट। अब देखिए माइनस 2y प्लस 15y क्या होगा, 13y, ओके, और यहाँ पे माइनस 12 में से 7 गया तो दैट इज माइनस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। अब भले एलिमिनेशन करो, आपको आएगा वापस सब्स्टिट्यूशन में ही, राइट, पुटिंग दिस वैल्यू इन किसमें रखेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, वाई है ना, चलो इसमें रख देते हैं, फर्स्ट वाले में 3x माइनस 5, y का क्या वैल्यू है, माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, ओके, अब देखो शायद इतने में आ जाएगा, राइट, 13 का एलसीएम लेना है सर, 13 थ्री जा 39x माइनस प्लस 25 और ये 13 चला जाएगा यहाँ, दैट इज 52, राइट, तो 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, अब क्या आएगा देखिए 39x इज इक्वल टू 12 में से ये आएगा तो 7, 4 में से 2 गया तो 27, राइट, तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39, 3 का टेबल आएगा, 3 9 जा 3 13 जा,
that is x is equal to 9 upon 13. यहाँ पे y is equal to 5 upon 13, x equal to 9 upon 13. This is your solution. Okay, now let's go to substitution method. Okay students, now substitution method. अब देखिए substitution method में अगर हम देखें पहले rearrange कर लेते हैं, 3x minus 5y is equal to plus 4, फिर ये हो जाएगा 9x is equal to, हमें actually rearrange करने की ज़रूरत ही नहीं है, right? एक काम करते हैं, सेकंड वाला जो इक्वेशन दिया है उसको डायरेक्टली ले लेते हैं, चलो राइट. तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 9, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूट तो करना ही है, ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ओके लेट्स डू. अब ये सब्स्टिट्यूटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 1, चलो 3 ये शांति से करना, यहाँ पे कहीं गलती करोगे तो लोचा होगा, राइट. माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो अभी फिलहाल. ओके क्योंकि मैंने उसको रीअरेंज नहीं किया है तो अभी ऐसे ही लिख देते हैं. थ्री वन दा थ्री, थ्री थ्री दा नाइन, तो टू वाई प्लस सेवन अपॉन थ्री माइनस फाइव वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. एलसीएम ले लेंगे, जीरो को भी जीरो हो जाएगा. चलो टू वाई प्लस सेवन माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो. अब इसको सॉल्व कर दो, 2y में से 12y गया तो माइनस 13y, 7 में से 12 गया तो माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो. अब 13y इज इक्वल टू 5, राइट. और y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13. ओके y इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन 13. अब ये जो माइनस फाइव अपॉन 13 है उसके बाद आपको ये वाला जो है वही का वही करना है, राइट. पुटिंग दिस वैल्यू वही का वही लिखना है, राइट. चलो पुटिंग दिस वैल्यू इन 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, राइट. ये क्या करना है, 3x माइनस 5 माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो. यहाँ जैसा सॉल्व किया है वही का वही है और आपका आंसर आ जाएगा सेम, राइट. तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. तो 3x प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52. देयरफॉर 39x is equal to 52 minus 25. Therefore, x is equal to 27 upon 39. X is equal to 9 upon 13. Same answer. Okay, देख लीजिए. और ये method अलग है, ये method अलग है. Okay, let's go to the next sum. Okay students, fourth number का sum. अब ऐसा जब भी आया ना तो पहले इसको solve कर दो. LCM लेके इसको normal equation बना दो. Right? Let us see. इसका LCM है 6. तो यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है 3x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है 4y, और यहाँ पूरे 6 से मल्टीप्लाई करना है. इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपको, डन. यहाँ पे देखो 3 एलसीएम है, बस ये पहला वाला होगा 3x, फिर माइनस वाई वैसा वैसे ही रहेगा, और ये 3 3 9, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ईजी हो गया. अभी नॉर्मल सम में लेके आ जाओ और फिर उसके बाद सॉल्व करो. वापस देखो ऑपोजिट साइन आया है, ऊपर 4y है नीचे माइनस वाई है. इक्वल करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, राइट. मल्टीप्लाइंग, अच्छा दूसरी बात भी है, अगर आपको ये मेथड नहीं है, ये देखो 3 ऑलरेडी सेम है, ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट. चलो ओके नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिख दो बस. चलो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, राइट. लेकिन यहाँ पे अभी साइन चेंज करना पड़ेगा, और ये प्लस, ये कट हो गया, अभी दोनों माइनस है, राइट. माइनस y माइनस, तो माइनस 5y, अब ये प्लस हो गया तो ये हो गया 15. y इज इक्वल टू 15 अपॉन माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 3. ओके अब सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग दिस वैल्यू putting this value in, किस में रखते हैं, सेकेंड वाले में रखते हैं, 3x minus minus 3 is equal to 9, 3x
प्लस 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को उस बाजू भेज दो, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, ये आपका वैल्यू आ गया सर। ओके नाउ यही चीज अब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। वापस जैसे हमने ये ऑलरेडी सॉल्व किया है वो लिख दीजिए। नाउ सॉल्विंग बोथ वी गेट क्या आएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। देखिए ये है आपको आराम से क्या करना है, आपको 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y, राइट, 9 इधर आएगा और y इधर, तो ये y का वैल्यू आएगा। पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y y इन इक्वेशन 1, चलो 3x प्लस 4 ये क्या है, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6, तो ये आएगा 3x प्लस 12x माइनस 36 माइनस 6। ओके तो ये हो जाएगा 3x तो 15x, ओके और ये माइनस 36 जो है उस बच जाएगा तो माइनस 6 प्लस 36, ये आएगा 15x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 2, सेम आंसर आया देखिए, राइट, दैट मीन्स वी आर राइट। ओके नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट पुटिंग दिस वैल्यू इन किस में रखे हैं, चलो ये वाले में ही रख देते हैं, 3 2 माइनस 9 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 9, y इज इक्वल टू माइनस 3। ओके सो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 बाय बोथ द मेथड, एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों का प्रैक्टिस करना। और जब मैंने जैसे बताया अगर आपको पर्टिकुलरली बोला जाता है कि सॉल्व बाय दिस मेथड देन यू हैव टू सॉल्व इट, लेकिन अगर आपको खाली इतना बताया जाता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन देन यू कैन सॉल्व विथ एनी मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे जो मेथड आपको ईजी लग रहा है वो मेथड से कर सकते हो। ओके लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम है, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा दिया है कि फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय एलिमिनेशन मेथड इफ दे एग्जिस्ट, ये वाला आपको पहले फाइंड आउट करना है, राइट, तो अगर एग्जिस्ट नहीं है सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ओके नाउ फर्स्ट वन, इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, राइट, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, सबसे भी जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन का सम आए पहले लिख दीजिए, लेट द न्यूमरेटर is x and the denominator of a given fraction is y, therefore the given fraction or the required fraction is क्या हो जाएगा, x upon y, ये आपको find करना है, ये वाला लिख दिया। अब देखो ऐसा बोल रहा है कि if we add 1 to the numerator, on adding 1 to numerator क्या हो जाएगा x plus 1, और फिर on subtracting 1 from denominator क्या है ये y minus 1, right, अब therefore it reduces to 1, इसका मतलब क्या है x plus 1 y minus 1 करूं तो आंसर आता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस y इज इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा माइनस 1 माइनस 1, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन 1 मिल गया आपको, अंडरस्टूड, इस तरह आपको स्टार्ट करना है सम। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, राइट, ओनली एडिंग 1 टू द डिनोमिनेटर मतलब क्या, एडिंग 1 टू द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y प्लस 1, तो मतलब x तो वही रहेगा और y प्लस 1, तो ये क्या बन जाता है 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, ये इधर गया ये इधर आ गया, अब ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, देखिए 1 भी आ गया 2 भी आ गया, अब आपको खाली क्या करना है मैचिंग करना है, और ऑलरेडी मेरे ख्याल से y y सेम ही है बस, राइट, तो चलो लेट्स स्टार्ट।
subtracting equation 1 from 2. लिख दीजिए. तो 2x minus y is equal to 1, x minus y is equal to minus 2, minus plus plus. ये elimination method है. हमारा purpose है to eliminate one variable. ये बन जाएगा x. यहाँ ये plus हो गया तो ये हो गया 3. x equal to 3. देखिए पहला equation आ गया, पहला solution है. अब putting this value in किसमें डालना है, किसी में भी. ओके लेट अस सी. 2x माइनस 1 y इज इक्वल टू 1. तो 2 3 इज अ माइनस y इज इक्वल टू 1. माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 6. माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5. y इज इक्वल टू प्लस 5. मिल गया. देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्या है 3 और ये क्या है 5. दिस इज द आंसर. ओके इस तरह आपको सम करना है. आई होप यू अंडरस्टूड राइट. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2. 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू राइट. 10 years लेटर पहले यहां पे अगो आया, यहां पे लेटर आया राइट. लास्ट टाइम में हेंस आया था, याद है आप लोग को. तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. पहले लेट स्टार्ट नाउ. लेट पहले प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स ईयर्स. या ये दो तीन लाइन जो है फिक्स है. द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई ईयर्स. ओके नाउ आप देखिए 5 years अगो ये वाला लिख लेने का राइट. सोनू से एज कितना रहेगा, नूरी से एज, नूरिस एज एक्स माइनस 5 हो जाएगा और सोनू का एज वाई माइनस 5 क्योंकि क्या है अगो है राइट. अब आगे पढ़ो कि नूरी वॉस थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है. x माइनस 5 3y माइनस 15. x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5. x माइनस 3y माइनस 10. इक्वेशन 1 मिल गया. वैसे ही चलो 10 इयर्स लेटर ऐसा लिखो. 10 इयर्स लेटर वापस वही का वही वैसे ही लिखना है. नूरी सेज क्या हो जाएगा, नूरी सेज x प्लस 10 हो जाएगा और सोनू का एज क्या हो जाएगा y प्लस 10. फिर पढ़ो उसको. 10 years later, Nuri will be twice as old as. So this is x plus 10, 2, twice, y plus 10. Okay, solve karte hai chalo. This will give x plus 10 is equal to 2y plus 20, x minus 2y, 20 minus 10, x minus 2y, 10. Equation number 2. We are doing elimination method, right? So abhi equation ko कंपेयर करो. यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इक्वल है लेकिन सेम साइन. सेम साइन आएगा तो सब्ट्रैक्शन वाली बात करना है. तो लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 राइट. तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. चलो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ये प्लस में से माइनस गया तो ये y आएगा. प्लस प्लस 20 पहला ही आंसर आ गया. वाई इज इक्वल टू 20 राइट. पुटिंग दिस वैल्यू वैल्यू इन किस में रखे, चलो इधर x माइनस 2 20 इज इक्वल टू 10. तो x इक्वल टू 220 इज 40 राइट. 40 उस पर जाएगा तो x इक्वल टू 10 प्लस 40 दैट इज x इज इक्वल टू 50. दिस इज इक्वेशन राइट. तो ये देयरफॉर कौन है, नूरिस प्रेजेंट एज इज कितना है 50 इयर्स और सोनूस प्रेजेंट एज कितना है 20 इयर्स. ओके दिस इज योर आंसर. अंडरस्टूड. चलो अगला सवाल.
Students, now question number 3. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also, 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. पहले तो मैं आप लोग को बेसिक समझा देता हूँ. 2-digit number, right? कोई भी नंबर ले लेते हैं. ये 2-digit हुआ. ये 2-digit को हम कैसे लिखेंगे? Right? ये है यूनिट डिजिट, ये है टेंस डिजिट, राइट. अब ये टेंस मतलब 20, और ये 20 कब आया? 2 × 10, देखो ये टेंस, और ये 6 कैसा आया? 1, दैट इज यूनिट, और ये टेंस. अंडरस्टूड? अब ये हमारा जो है ये 10 और 1 तो फिक्स है, ये जो है 2 और 6 है ये हमारा चेंजेबल नंबर है, राइट. यहाँ पे 36 होगा तो ये 3 और 6 हो जाएगा, 58 होगा तो 5 और 8 हो जाएगा, इस तरह ये चेंज होते रहेगा, लेकिन 10 और 1 वहीं रहेगा. तो आपको जो सपोज करना है ये और ये, तो राइट. तो अभी हम लोग इसी तरह करने वाले हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. इस तरह आपको करना है. तो ये अगर मैं इसको एक्स लेता हूँ तो देखिए ये हमारा नंबर हो गया अलजेब्रिक में, तो इस तरह, राइट. तो वी आर गोइंग टू डू दिस वे. लेट अस स्टार्ट. नाउ फर्स्ट पहले क्या लिखने का, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2-digit नंबर इज वाई ले लिया ना हमने, तो वाई रखते हैं. एंड द टेंथ डिजिट इज एक्स, तो क्या होगा सर? द रिक्वायर्ड नंबर इज 10x + y. ये आपका आंसर है, राइट. पहले तीन लाइन हर एक स्टेटमेंट सब में फिक्स होता है. अब क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9. तो डिजिट्स तो ये दो हुए, देयरफॉर x + y = 9, इक्वेशन 1 उन्होंने दे दिया है, ओके. अब क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स वी गेट. अच्छा, रिवर्सिंग द डिजिट वी क्या मिलेगा? ये एक्स को इधर ले जाओ और वाई को, तो ये हो जाएगा 10y + x, राइट. 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स. तो 9 टाइम्स नंबर मतलब 9 10x + y इज इक्वल ट्वाइस द नंबर 2 10y + x, राइट. 90x 9y 20y 2x, 90x - 2x + 9y - 20y = 0. ये क्या हो जाएगा? 88x, और यहां पे 11y = 0. इक्वेशन नंबर 1 और 2, देखिए प्लस और माइनस वाई है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 11 एंड एडिंग विथ इक्वेशन 2, राइट. चलो मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 11x 11y = 99. तो यहां पे क्या आएगा सर? 88x - 11y = 0. ये तो अपने आप कट हो गया. 99x = 99, तो x = क्या हो गया? 1. ये रखते हैं हम लोग x = 1, पुटिंग दिस वैल्यू किसमें? पहले वाले में डाल देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन x + y = 9. x = 1 है तो 1 + y = 9, y = 9 - 1, y = 8. Therefore, the required 2-digit number is, क्या था? हमने हमने जो ये लिया यही लेने का है, राइट. 10x + y, दैट इज 10 1 + 8, दैट इज 10 + 8, कितना आएगा? 18. दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, ओके. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट. ये जो इक्वेशन जो बनाना है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने बना लिया तो आपके दो इक्वेशन बन जाएंगे, फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके. ओके स्टूडेंट्स,
Question number 4. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give 50 rupees note and 100 rupees notes only. So Meena got 25 notes, right? So yahan pe 50 rupees note, right? So abhi suppose 100 rupees hai, to 100 ka 50 kitna hoga? Do bar aap 50 denge to 100 hoga. So yahan pe likhe, let the number of rupees 50 notes is x and the number of rupees 100 notes is y. Total notes kitne hai? X plus y is equal to 25. Equation 1 to diya hua hai, right? Ab 2000 uska value hai. So therefore now 25x barabar 25 rupees ka ye kitna hai? 50 rupees ka jo hoga wo hoga 50x aur number of 100 rupees ka kya hoga 100y is equal to total hona chahiye 2000 rupees value. Samajh pada aapko, right? Yahan pe jitna number aayega uska total banega 2000. Ab ye banega hamara equation number 2. Chalo kisse multiply karte hain? Pehle wale se 50 se multiply karte hain. Multiplying equation 1 by 50 and subtracting from equation 2, right? It is 50x 100y is equal to 2000. Ab isko 50 se multiply karo. 50x 50y is equal to 50 into 25 kitna ho jayega? 125 0. Okay, chalo minus minus minus. Ye ho gaya 100 mein se ye 50 gaya to aur ye 750. So 50y is equal to y is equal to upon 50, right? 5 ones are 5. So y is equal to 15. Matlab 100 rupees ka note kitna hai? 15 hai. So putting this value in x plus y is equal to 25. So x equal to 25 minus y. X equal to 10. Find how many notes, right? Therefore, number of 50 notes is kitna hai? 10. Number of 100 rupees notes is 15. Total 25 हो रहा है देखिए और ये आपका इस तरह आंसर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वे यू हैव टू डू. यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स था इसलिए 25 लिखा, यहाँ पे उसका वैल्यू निकालना था इसलिए मैंने इसको 50x और 100y से मल्टीप्लाई किया. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सब. अ लैंडिंग लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में बुक हम लोग भाड़े पे लेते हैं, राइट? तो चार्ज होता है इतने दिन का इतना वैसा. तो ये लाइब्रेरी का भी रूल्स ऐसा है. A landing library has a fixed charge for the first 3 days. पहले 3 दिन का fixed charge हो गया, okay? And an additional charge for each day thereafter, right? तो let the fixed charge for first 3 days is x, right? That is x rupees. Okay? Now चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद के एक एक दिन के देयर आफ्टर का क्या है? वाई रुपीस, राइट? तो एक्स, ये एक्स रुपीस और ये वाई रुपीस, राइट? अब सरिता ने क्या किया? सरिता है ना, सरिता ने शी गॉट द बुक फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 27, फॉर कैप फॉर 7 days, राइट? सरिता बॉट the book for 7 days. तो मतलब 3 days तो फिक्स हो गया, x प्लस बाकी कितने दिन रहा सर? 4. तो ये 4y हो गया, समझ रहे? क्योंकि हमने ईच डे का लिया है. इज इक्वल टू कितना पे किया उन्होंने? 27 रुपीज. इक्वेशन 1 इस तरह करना है आपको. आई होप यू अंडरस्टूड. ये फिक्स प्राइस है, ये तो आपके पहले 3 दिन चले गए, अब रहा 7 दिन में से 4 दिन 4y. Second,
कौन है? सुसी। सुसी पेट बॉट फॉर बॉट द बुक फॉर हाउ मेनी डेज? 5 days। चलो अब यहां क्या हो जाएगा, x तो 3 दिन चला गया, बाकी रहा 2, राइट 2, तो दैट इज 2y। लेकिन उन्होंने कितना पे किया है? 21 rupees। ओके, इक्वेशन नंबर 2। इसमें एलिमिनेशन मेथड करना है, x तो सेम है, राइट कर दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, लिख ही देने का, राइट इजी है। x प्लस 2y is equal to 21, x plus 4y is equal to 27, subtracting, तो ये हो गया, 2y में से 4y नहीं जाएगा, तो ये this is minus 2y, minus 27 plus 21, minus 6, y is equal to minus 6 upon minus 2, y is equal to 3, एक दिन का कितना है? 3 रुपीस है, right? Putting this value इन किसमें? पहले वाले में रख देते हैं, x प्लस, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, क्या आएगा सर? x इक्वल टू 27 में से 12 गया तो 15, राइट तो फिक्स चार्ज कितना होगा? 15, देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज इज 15 रुपीस। एंड दी ये क्या है? ये चार्ज फॉर ईच डे, ऐसा लिखने का, ईच डे इज रुपीस क्या है? 3। ओके, दिस इज योर आंसर। ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन को रख के ही आपको सपोज करने का, ये आप याद रखना, राइट तो इससे आपको आइडिया आएगा, आंसर लिखने में इजी रहेगा। ओके राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम, राइट नाउ स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.4। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, प्रैक्टिस करो, वीडियो पूरा देखिए, पॉज करो, खुद एक बार करके देखिए, फिर उसके बाद वेरीफाई करो। ओके, यू विल लर्न फ्रॉम होम, राइट, और कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखो, या तो मुझे इन्फॉर्म करो, फेसबुक में भी हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, राइट, तो यू कैन इन्फॉर्म मी, आई विल गेट बैक टू यू। ओके, सो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जितना शेयर करना हो करिए इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, और वो बेल आइकन प्रेस कीजिए सो देट आपको नेक्स्ट 3.5 का नोटिफिकेशन मिले, और बस सब प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।